हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जुगल जोड़ी जो मेरे पास 12 इंच के हैं, उनकी ड्रेसेस और एक्सेसरीज जो मैंने परचेज़ की हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का बहुत ही सुंदर ड्रेस है हमारे पास, जो कि सबसे पहले हमारे कान्हा जी की धोती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास 12 इंच के कृष्ण और राधा जी हैं और 3 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। तो मैं आज सारी एक्सेसरी, सारी उनकी जो कपड़े और ज्वेलरी होती है, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। धोती के साथ ये हमारे पास कुर्ता है, एक बड़े साइज़ का कुर्ता आता है, एक छोटा हमारी राधा रानी के लिए होता है और बड़ा कान्हा जी के लिए होता है। इसके साथ ही हमें मिलता है एक पटका, जिससे कि हमारी कान्हा जी की ड्रेस कम्प्लीट हो जाती है। और ये कलर काफ़ी ब्राइट था, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह की ड्रेस को बनाया कैसे जाता है घर पर। और ये ड्रेस मुझे 280 रुपीज़ में मिली है। ये हमारी राधा रानी जी का लहंगा है, इसके ऊपर आएगा कुर्ता और इसके साथ आएगी हमारी चुनरी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने राधा रानी के लिए और कृष्ण जी के लिए ख़रीदी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चुनर है, बहुत ही प्यारी सी, और इन पे बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी सी, थोड़ी बाहर इनके अलग से ही इनको पेस्ट किया गया है। चलिए अब मुकुट की बारी आती है। मुकुट की जगह पे मैंने यहाँ पर पगड़ी ख़रीदी है। ये देखिए, ये आपको 30 रुपीज़ में बड़े कान्हा जी की मिल जाती है और 20 रुपीज़ में छोटे कान्हा जी की मिल जाती है। तो ये हमें 30 रुपीज़ में मिल गई है हमारे बड़े कान्हा जी के लिए। ये देखिए, ये मैंने ऑरेंज के साथ मैचिंग ली है। और ये दो पगड़ियाँ मैंने अपने छोटे कान्हा जी के लिए ली हैं, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं 3 नंबर के। तो ये विग पहनाने के बाद उनको आ जाएंगी। वैसे आपको बड़ी लग रही होंगी, पर जब उनको हम हेयर विग पहनाएंगे तो हमें वो बिल्कुल फिट आएंगे। तो चलिए इनको भी साइड पे रख देती हूँ। ये देखिए, दो डिफरेंट कलर्स हैं ये भी, और ये 20 रुपीज़ में मुझे मिल गई हैं। ये मैंने अपने ही मार्केट की लोकल शॉप से परचेज़ की हैं। आप चाहें तो वृंदावन या मथुरा से भी परचेज़ कर सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ये दो मैंने माला जो हैं 20 रुपीज़ में परचेज़ की। ये ड्रेस के साथ मैचिंग थी, प्लस अगर मैं कोई और ड्रेस पहनाती हूँ, जैसे अभी मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई हुई है कृष्ण जी और राधा जी को, तो उसके साथ भी मैच होती हैं। ये रिबन के फ्लावर्स माला है। और ये जो है मेरी सबसे फेवरेट, जो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेने के लिए, ये मेरे राधा रानी जी के लिए दो चोटी वाली विग है। और ये सब एक्सेसरीज और ड्रेस मैं आपको पहना के, राधा जी को और कान्हा जी को तैयार करके भी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। ये विग हमें 180 रुपीज़ में मिली है, और ये है मेरे कान्हा जी की विग। इसमें आपको दो मिल जाती हैं। यहाँ जो है ये कर्ली हेयर है, जो बहुत सुंदर लगती है, और एक नॉर्मल हेयर थे, वो मैंने परचेज़ नहीं किए। ये देखिए, और ये भी हमें 120 रुपीज़ की रेंज में मिल जाती है, क्योंकि ये बड़े कान्हा जी की है। और ऐसे ही मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए भी सेम विग ली है। ये देखिए, ये पेयर हो गया राधा रानी का और कान्हा जी का। आपको इसमें लूज़ हेयर भी मिल जाते हैं राधा रानी जी के लिए, लेकिन मुझे दो चोटी ही चाहिए थी, इसीलिए मैंने परचेज़ किया इसको। और इसके साथ हेयर एक्सेसरीज़ भी बहुत प्यारी प्यारी आप ले सकते हैं। ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए हो गया। ये हमें आई थिंक 70 रुपीज़ में मिली है, ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। और बहुत ही प्यारे कर्ल्स हैं इसमें, ये भी मैं आपको पहना के दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो हम छोटे बच्चों को नज़रिए पहनाते हैं, वही मैं राधा रानी और कान्हा जी के लिए भी लेके आई हूँ। गले के हैं और हाथों के हैं। और ये देखिए, ये दोनों पेयर हैं राधा रानी जी के लिए और कान्हा जी के लिए। तो ये भी हम ज़रूर पहनाएंगे अपने कान्हा जी को, और हमेशा पहना के ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरी फेवरेट है, एक मेरे को हेयर विग बहुत अच्छी लगी थी राधा रानी जी की। और ये है हमारे पास नथ, ये देखिए राधा रानी जी की नथ है। ये मुझे 80 रुपीज़ में मिली है, बहुत ही प्यारी सी नथ है। बहुत टाइम से मेरा मन था उनके लिए कुछ एक्सेसरीज लेने का, और बाकी चीज़ें जो इयररिंग्स है, तगड़ी है, पायल है, वो मैं घर पर ही बनाऊँगी। ये मेटल का सामान है, इसीलिए मैं इसे घर पर नहीं बना सकती थी। बाकी चीज़ें जो माला है, चूड़ियाँ हैं, वो सब मैं घर पे बनाऊंगी। ये भी मेटल की है, चंद्रिका, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। ये हमें 230 रुपीज़ में मिली है, और सारा स्टोन वर्क है इसके ऊपर। और जब हम राधा रानी जी को पहनाएंगे तो वो बहुत प्यारी लगेंगी इसमें।
चलिए इसको दोबारा पैक कर देते हैं क्योंकि मेटल और जर्कन का काम है इसमें, तो ये ख़राब हो सकती है। और इसके बाद आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि आपको इनमें से सबसे अच्छा सामान कौन सा लगा। मुझे लगी एक तो चंद्रिका और एक राधा रानी जी की हेयर वेग। आई होप आपको भी ये सब सामान अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको जुगल जोड़ी की यही ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, बट किसी और कलर में और डिज़ाइन में। और इसी तरह से छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए भी हम ड्रेसेस बनाना सिखाते रहेंगे। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।